हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। रीजनिंग में हमने मेजरिंग यूनिट से दो वीडियो डाल चुके हैं और आज हम मेजरिंग यूनिट से ही वीडियो पार्ट थ्री में एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं। इससे पहले मैंने 25 तक क्वेश्चंस सॉल्व करके बता चुके थे, आज मैं 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बैग इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। वन बैग इज इक्वल टू 5 लड्डू एंड वन बॉक्स इज इक्वल टू 6 लड्डू। तो देन बॉक्स इज बैग। ऑप्शन ए हैवियर देन, बी लाइटर देन, सी इक्वल टू एंड डी कांट डिटरमाइन। अब हम देख रहे हैं एक बैग इज इक्वल टू 5 लड्डू है एंड एक बॉक्स इज इक्वल टू 6 लड्डू। तो बॉक्स क्या हो गया? बैग से हैवियर हो गया। सो बॉक्स इज हैवियर देन बैग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हैवियर देन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अरेंज द गिवन पेन फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टू द शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट से शॉर्टेस्ट की तरफ अरेंज करना है। अब इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा बॉक्स हो रहा है एस। कितने बॉक्स हो रहे हैं एस में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एस इक्वल टू 9 बॉक्स। आर में हम देख ले रहे हैं, ये हो गया आर। 1, 2, 3, 4 आर इक्वल टू 4 बॉक्स। क्यू में हम देख ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो हो जा रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारा 7 हो रहा है एंड लास्ट हमारा हो रहा है ये पी, यहाँ से यहाँ तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पी में हमारा हो जा रहा है 10 बॉक्स। तो हमें दिखाना है लॉन्गेस्ट से शॉर्टेस्ट। तो लॉन्गेस्ट हमारा हो गया 10, 9, 7, 4। 10 इक्वल टू पी, 9 इक्वल टू एस, 7 इक्वल टू क्यू एंड 4 इक्वल टू आर। ये नंबर हमारा अरेंज हो रहा है पी एस क्यू आर। ये ऑप्शन हमारा बी में है। सो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। इफ 4 सर्कल इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 ग्लास हो रहे हैं। 4 सर्कल इक्वल टू 8 ग्लास एंड 2 सर्कल इक्वल टू 4 ग्लास। तो देन 1 सर्कल इक्वल टू, सो 1 सर्कल इक्वल टू 2 ग्लास। 4 सर्कल इक्वल टू 8, 2 सर्कल इक्वल टू 4, यानी यहाँ सर्कल भी हाफ हो गया एंड ग्लास भी हाफ हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर 1 सर्कल हाफ हो गया तो ग्लास भी हाफ हो जाएगा, 2 ग्लासेस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 2 ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। वॉक द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस एंड वॉक द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रेस्पेक्टिवली। ये तीन गर्ल्स हैं, निशा, साची एंड ज्योति। इनमें से कौन गर्ल सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वॉक करती हैं? यहाँ पर वन लाइन इक्वल टू 1 यूनिट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निशा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। निशा कितने यूनिट वॉक कर रही है? 10 यूनिट। अब हम साची का देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारा हो गया 9 यूनिट। एंड ज्योति 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये 13 यूनिट करती है। तो वॉक द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन कर रही है? ज्योति। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन है? साची। तो ऑप्शंस में ज्योति एंड साची किस में है? ज्योति एंड साची ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। इज द कॉस्टलायर देन द वॉल एंड इज द चिपेस्ट देन द टॉय कार। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बॉल से कौन सा कॉस्ट जो है ज़्यादा दाम का है?
बॉल की जो है कॉस्ट है 525 से ज़्यादा कॉस्ट जो है डॉल का है 585, तो यहाँ पे हो जाएगा डॉल एंड इज चिपेस्ट दैन द टॉय कार, एंड टॉय कार से चिपेस्ट टॉय कौन सा है, टॉय कार का दाम है 485, तो 485 से चिपेस्ट है हमारा टॉय फोन 425, तो यहाँ पर हो जाएगा टॉय फोन। सो ऑप्शन हो जाएगा डॉल एंड टॉय फोन, देखते हैं कौन से ऑप्शन में आ रहा है, डॉल एंड टॉय फोन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक्स डज नॉट शो द टाइम लेस देन 3:30? निम्न में से कौन सा क्लॉक 3:30 से कम समय नहीं दिखाता है, ठीक है। अब क्लॉक ए में कितना टाइम दिखा रहा है 3, क्लॉक बी में 3:15, क्लॉक सी में 4 एंड क्लॉक डी में 3:25। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 4, 4 o'clock जो है 3:30 से कम समय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इसी प्रकार के रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, सो बच्चों आप खुद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, करण एंड तरुण, ये हम बैलेंस देख रहे हैं, दोनों के बैलेंस इक्वल हैं, तरुण एंड पुनीत, इसमें हमारा तरुण जो है मोर हैवियर है पुनीत से, एंड सुमित एंड करण में सुमित हैवियर है करण से, तो इसमें हमारा इक्वेशन इस प्रकार का बनेगा, सुमित करण इक्वल टू तरुण एंड पुनीत अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब इसमें हम देखना है हु इज़ द हैवीएस्ट, तो इसमें हैवीएस्ट जो है सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट सुमित है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, विच इज़ द लॉन्गेस्ट स्टिक, रूलर से हम मापते हुए देखेंगे कि इनमें से सबसे लंबा स्टिक कौन सा है। सबसे पहले हम W का देखते हैं, W में हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 5 cm, X हमारा 0 से स्टार्ट होकर 8 तक जा रहा है तो ये हो गया 8 cm, Y हमारा 9 cm जा रहा है तो ये 9 cm, एंड Z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो जेड हमारा क्या हो रहा है 7 cm, तो इसको देखने से हमें पता चल रहा है वाई स्टिक जो 9 cm है जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट स्टिक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वाई बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, नायरा स्टार्ट हर वॉलीबॉल प्रैक्टिस ऑन 3rd Monday of July, सी प्रैक्टिस फॉर 5 डे, हर प्रैक्टिस फिनिश ऑन, हमें देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नायरा जो है अपनी वॉलीबॉल प्रैक्टिस 3rd Monday को स्टार्ट करती है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं जुलाई के कैलेंडर में 3rd Monday यहाँ हो रहा है 15th Monday को, 15 तारीख को 3rd Monday हो रहा है, और सी प्रैक्टिस फॉर 5 डेज, वो 5 डेज प्रैक्टिस करती है, तो वहाँ से हम 5 डेज कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 डेज यहाँ तक हो गया, लास्ट डे क्या हो रहा है 19, सो हर प्रैक्टिस फिनिश ऑन 19th July, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन कैट रीच द माउस, यहाँ पर कैट है और माउस, कितने डिफरेंट वे से कैट जो है माउस के पास जा सकती है, तो इसको सबसे पहले हम नामकरण कर लेते हैं। अब हम देखते हैं
कैट जो है कितने वे से माउस के पास जाती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ए टू डी, डी से एच, एच से आई, ये फर्स्ट वे हो गया नंबर वन। सेकंड ए बी सी ई एफ जी जे आई, ये सेकंड रास्ता हो गया। थर्ड वे हमें हम देख लेते हैं ए बी ई एफ जी एच आई, ये थर्ड वे हो गया। फिर हम देखते हैं ए डी सी ई एफ जी एच आई, फोर्थ रास्ता हो गया। एंड फिफ्थ वे में ए टू डी सी डी ई एफ जी जे आई, ये हो गया फिफ्थ वे। तो हाउ मैनी कैट वे, तो टोटल फाइव वे या रास्ते से बिल्ली जो है चूहे के पास जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन मानव रीच द मॉल। इस प्रकार के क्वेश्चंस अभी हमने किए हैं, ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं 38। द स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली एंड अरेंज इन क्रेयॉन्स फ्रॉम द शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट। शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट इसको हमको अरेंज करना है। ये हम देख लेते हैं, जेड हमारा हो गया 1 2 3 4, ये फोर पिन हो गया, जेड हमारा फोर हो गया, ये वाई हो गया 1 2 3 पिन, एक्स 1 2 3 4 5, एक्स हो गया 5 पिन, एंड डब्ल्यू जो है हमारा 1 and 2, ये हो गया 2 पिन। अब इसको हमें शॉर्टेस्ट से लॉन्गेस्ट करना है, तो 2 3 4 5, 2 हमारा हो गया डब्ल्यू वाई जेड एंड एक्स, ये हमारा सीक्वेंस जो है डब्ल्यू वाई जेड एक्स ऑप्शन डी में है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, इफ़ यस्टरडे वाज वेडनेसडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर कल बीता हुआ कल हमारा वेडनेसडे था तो आने वाला कल क्या रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम देखते हैं, बीता हुआ कल हमारा वेडनेसडे था तो टुडे हमारा क्या हो गया थर्सडे, ठीक है, और थर्सडे है तो कल आने वाला कल टुमारो क्या हो जाएगा फ्राइडे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, टुमारो के अगले वाले दिन, यानी टुमारो हमारा क्या है फ्राइडे, फ्राइडे के अगले दिन कौन सा होगा, फ्राइडे के बाद सैटरडे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सैटरडे। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन लाइटेस्ट है, चेयर बैट फैन एंड पेन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पेन। 41, देयर आर डिफरेंट पॉसिबल वे फॉर मंकी टू रीच बनाना। ये आप खुद सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने ऊपर सॉल्व करवा रखे हैं। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इस प्रकार के कैलेंडर वाले क्वेश्चंस जो है हमें अभी करके बता चुके हैं। सो 42 एंड 43 आप खुद करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कॉमेंट करके अवश्य बताइए और उसे मैं सॉल्व करवाऊंगी। और साथ ही मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहती हूं, इस तरह के क्वेश्चंस आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए जिससे वो अंडरस्टैंड कर पाएगा इस तरह के क्वेश्चंस को और इजी वे में फास्ट कर पाएगा। विच इज़ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट, एलिफेंट लॉयन हॉर्स एंड माउस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी माउस। माउस सबसे हल्का लाइटेस्ट है एनिमल। 45, अरेंज द गिवन हॉकी स्टिक फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये हॉकी स्टिक को हमें लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट अरेंज करना है, इसे भी आप खुद करेंगे। साथ ही हमारे पास एक कमेंट्स आया है, एक पेरेंट्स हमसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या फर्स्ट क्लास का बच्चा इस प्रकार के क्वेश्चन को इजी वे में रीड कर सकता है। तो मेरा यही जवाब है कि मेरी गुड़िया फर्स्ट क्लास में कॉमन सीबीएसई स्कूल में पढ़ती है और वो फर्स्ट क्लास में अच्छे से रीड कर लेती थी। और साथ ही उसके स्कूल में ओलंपियाड एग्जाम के समय टीचर्स के द्वारा सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जाता था,
ताकि बच्चा समझकर उसे सॉल्व कर सके। साथ ही आप अपने बच्चों को रीड करवाते हुए उसके क्वेश्चन को बार बार समझाएंगे तो बच्चा उसको अच्छी तरह से समझ जाएगा और उसे रीड करना भी आ जाएगा और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल शेप्स। इससे हम चैप्टर को एक्सप्लेन करके MCQ लेकर आ रहे हैं, जिसे आप देखना ना भूलें। थैंक यू, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बच्चों।